दोस्तों वैसे खेल कूद तो हमारे बॉडी के लिए सबसे अच्छा एक्सरसाइज माना जाता है। खेल कूद एक्सरसाइज के साथ साथ मनोरंजन का भी बहुत अच्छा साधन है, लेकिन कुछ खेल ऐसे भी होते हैं जो कि बहुत ही खतरनाक और जोखिम भरा होता है, और कुछ लोग ऐसे ही खेलों के शौक भी रखते हैं बिना अपनी जान की परवाह किए। तो स्वागत है आपके हमारे वर्ल्ड वेलनेस चैनल में, और आज हम जानेंगे ऐसे ही टॉप 10 खतरनाक खेलों के बारे में। नंबर 10, मिक्स मार्शल आर्ट। मिक्स मार्शल आर्ट खेल अमेरिका, ब्राजील, जापान जैसे देशों में बहुत ही ज्यादा लोकप्रिय है। ये खेल अब तक कई लोगों की जान भी ले चुका है। नंबर 9, आइस हॉकी। आइस हॉकी बर्फ पर खेला जाने वाला खेल है। ये खेल कनाडा और संयुक्त राज्य अमेरिका में खेला जाता है। इस खेल में चोट लगने की भारी संभावनाएं होती है। खिलाड़ी इतनी तेजी से आगे पीछे बढ़ते हैं कि दुर्घटना होना तो स्वाभाविक है, साथ ही इन मुकाबलों में खिलाड़ी का आपस में लड़ जाना तो दूसरी ही कहानियों का बयान करती है। नंबर 8, हेली स्कीइंग। हेली स्कीइंग में खिलाड़ी हेलीकॉप्टर की सहायता से स्कीइंग करता है, जिसमें हेलीकॉप्टर खिलाड़ी से एक निश्चित दूरी पर रहता है और इसकी हवा की सहायता से खिलाड़ी तेजी से स्कीइंग करता है। इस खेल के दीवाने प्रतिवर्ष इसके ऊपर एक किताब लिखते हैं, जिसमें इस खेल के बारे में टिप दिए होते हैं। ये खेल बहुत ही जोखिम भरा होता है, फिर भी लोग इस खेल को खेलना पसंद करते हैं। नंबर 7, बॉक्सिंग। बॉक्सिंग का नाम तो आप सभी ने सुना ही होगा। इस खेल में लगातार पड़ने वाले मुक्केबाजी से लोगों की जान तक चले जाती है। कई जगह पैसों की बोलियां लगती है। वहां मुक्केबाजी हेलमेट व ग्लव्स के बिना खेलते हैं। जहां पैसे लगे हो वहां ये खेल और भी ज्यादा हिंसक हो जाता है, और यहां तक कि लोगों की जान भी चली जाती है। नंबर 6, सर्फिंग। सर्फिंग पानी में खेला जाने वाला शायद सबसे रोमांचक खेल है, जिसमें सबसे पहले खिलाड़ी को खुद ही सर्फिंग बोर्ड के साथ तैरते हुए बड़ी लहरों तक जाना पड़ता है, जो कम से कम 20 फीट ऊंची हो। वैसे सर्फिंग का सबसे बड़ा रिकॉर्ड 100 फीट ऊंची लहरों पर सर्फिंग करना है। इसका इनाम $1,00,000 तक होता है। इस खेल में जितना पैसा मिलता है उतना ही इस खेल में रिस्क भी है। ऊंचे लहरों में सर्फिंग का बैलेंस कभी भी बिगड़ सकता है और वो डूब भी सकता है। नंबर 5, हार्लिंग। हार्लिंग नामक खेल की शुरुआत आयरलैंड में हुई थी। ये खेल यूरोपियन देशों में काफी लोकप्रिय है। इस खेल को फुटबॉल और हॉकी को मिलाकर बनाया गया है। हार्लिंग में खिलाड़ी कोई सुरक्षित हेलमेट व कपड़ों का उपयोग नहीं करते, जिसकी वजह से खिलाड़ी हमेशा खतरे में रहते हैं। नंबर 4, पर्वतारोहण। पर्वतारोहण दुनिया के सबसे खतरनाक खेलों में से एक माना जाता है, जिसमें किसी को ही पता नहीं होता कि अगले ही पल में क्या हो जाए। ऊंचे ऊंचे पहाड़ों पर चढ़ना कोई आसान काम नहीं होता। इसमें बहुत से जोखिम होते हैं, जैसे कि पहाड़ों का टूटना, पैर फिसलना, रस्सी का टूटना, बीच रास्ते में ही फंस जाना। इस खेल में जोखिम होने के बावजूद भी लोग ऐसा काम करना पसंद करते हैं। नंबर 3, कैल्सियो स्टोरिको। कैल्सियो स्टोरिको खेल रग्बी, फुटबॉल और पहलवानी को मिक्स करके बनाया गया है। ये बहुत ही खतरनाक खेल है। इसके बारे में बहुत ही कम लोग जानते हैं, क्योंकि ये खेल ज्यादा लोकप्रिय नहीं है। ये खेल पुराना ग्रीक रोमन खेल है, जिसमें कुल 27 खिलाड़ी होते हैं। गेंद को छीनने के लिए खिलाड़ी एक दूसरे से खूब मारपीट करते हैं। कभी कभी ये खेल इतना हिंसक हो जाता है कि किसी की जान तक चली जाती है। नंबर 2, बेस जंपिंग। बेस जंपिंग एक बहुत ही रोमांचक खेल है, जिसमें व्यक्ति किसी ऊंचे भवन या पहाड़ों से नीचे कूदता है और गिरने से बचने के लिए पैराशूट का उपयोग करता है। इस खेल में खिलाड़ी को ऊंचे पर्वत की चोटी या ऊंचे बिल्डिंग से छलांग लगानी होती है। ये खेल सबसे खतरनाक खेलों में शुमार है, और कई देशों ने तो इसके ऊपर प्रतिबंध भी लगा दिया है, जिसमें अमेरिका भी शामिल है, लेकिन कुछ लोग फिर भी इसे अवैध तरीके से खेलते हैं। नंबर 1, बुल फाइटिंग। बुल फाइटिंग को दुनिया का सबसे खतरनाक और हिंसक खेल माना जाता है। इस खेल में सांड को शराब पिला दी जाती है और इसके शरीर को जगह जगह से काट दिया जाता है, जिससे वो पागल हो जाता है। फिर एक खिलाड़ी सांड का मुकाबला करने के लिए मैदान में उतरता है। ये खेल अब तक कई लोगों की जान भी ले चुका है। बुल फाइटिंग खेल अधिकतर स्पेन और उसके आसपास के देशों में खेला जाता है। तो दोस्तों ये थी टॉप 10 खतरनाक खेल। अब आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपको इनमें से सबसे ज्यादा खतरनाक कौन सा गेम लगा। बाकी अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लेना।